आए दिन धोखाधड़ी करने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरीकों से पैसों की ठगी की जा रही है। इसी तरह का मामला ग्वारीघाट थाना स्थित सामने आया है, जिसमें रोशनी बंसकार नाम की महिला के अकाउंट से देवेंद्र पांडे और महेंद्र पांडे नाम के दो लोगों ने अकाउंट से करीब 70,000 रुपए निकाल लिए, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की तो दोनों आरोपियों ने उल्टा महिला और उसके घर वालों को ही डरा धमका रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रोशनी और उसके पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे आवास योजना के 70,000 रुपए निकाल लिए हैं, जिसकी शिकायत अनुसूचित जाति कल्याण थाने में की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमारा जो आवास योजना का 2.5 लाख रुपए आया रहा, तो उसमें से दिवेन पांडे और महेन पांडे ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी, यानी 500 रुपए जो मोदी जी हमें लॉकडाउन के समय देते रहे, जो परेशानी में रहे, उसके बदलते यानी उनमें हमारे मैसेज से यानी फिंगर लगवाते रहे। अभी सर्वर डाउन नहीं है, अभी किताब जमा करे, कई दिनों तक उनने किताब भी जमा कराई, हमने दूसरी जगह स्लिप निकलाई अपनी, तो उसमें से पता चले कि हमें 70,000 रुपए निकला हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो पैसा आया हुआ था। एक बार 20,000, फिर एक बार 10,000, फिर एक बार 20,000, फिर एक बार 20,000, ऐसे करके उनने 3-4 बारों में 70,000 रुपए निकाल दिए। कि हमें इस तारीख को पता चला तो हम स्टेटमेंट लेके गए, तो उनने हमें देने लगा आश्वासन के आज दे देंगे, कल दे देंगे, ऐसे करते करते कई महीनों निकल गए। फिर अचानक से चेक दिया उनने 50,000 रुपए का, फिर कुछ दिन बाद उन्होंने चेक के लिए मना ही कर दी जिस डेट को हमें लगानी रही, तो बोलता अभी अकाउंट में पैसा नहीं है, चेक मत लगाना, हम तुम्हें कैश दे देंगे। फिर ऐसे करते करते और कई महीनों निकल गए। फिर वो कई बार हम गए उनसे मुलाकात हुई तो गाली उपतार बकने लगे कि जाओ तुम का कर लोगे, हमारा जो करते बने कर लेना, अब हम नहीं दे पाएंगे पैसे। हम सर अपना पैसे जो आया हुआ आवास योजना का, तो वही चाहते हैं सर। बैंक से पैसे निकल चुके हैं हमारे, तो हम मतलब अपनी शिकायत दर्ज कराने आए हैं। आवास योजना का पैसा रहा तो सरकार 500 रुपए भेजती रही, हम 500 निकलवाने गए, हमारा अंगूठा लगवा लिए, उसमें से त्रिवेंद्र पांडे और महेंद्र पांडे, तो उसमें से हमारा 70,000 निकल चुका रहा, हम स्लिप निकलवाए तो वहाँ से निकल चुका रहा। जब हम लेने गए पूछने गए तो बोले माँ बहन की गाली दिए, जाओ तुम लोग को कुछ नहीं होगा, जो करते बने वो कर लो। वहाँ शिकायत करे ग्वारीघाट थाने में भी और मदनगढ़ थाने में भी, हरिजन थाने। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल इंडिया।